পাকা মন আছে এর বুটের ভেতরে আছে 80% শুকিয়েছে এখন 20% বাকি আছে তো গাইস আপনি দেখ सकते हो গিফট কিয়া মেরে কো ভাই বহুত আচ্ছা বহুত আচ্ছা আমি তোকে দেখে হাতটা কই কোথায় ঢুকিয়েছিস তুই আমি দেখি পিটা কি ঠেকছে কি ঢুকে আমি হাত তালে ঢুকিয়েছে নিশ্চয়ই ভাই কি হয় পাতা দাসালা সিগন্যাল আমি দাঁড়ালাম ও বেরিয়ে গেল এর সিগন্যাল হয়েছে সবাই দাঁড়িয়ে আছে ও বেরিয়ে গেল ये 10 रुपया लीजिए ठीक है। तो हेलो गाइस कैसे हो लोग, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। एंड गाइस यार फाइनली मैं श्रीरामपुर आ ही चुका हूँ भाई। भाई श्रीरामपुर में बाइक चलाया नहीं हूँ 25 दिन के आसपास। चलो आज मैंने फ्री हूँ, घर में बैठ के यार बोर भी हो रहा था, सो मैंने सोचा कि गाइस एक भाई बाइक लेके निकाले जाए। एक सीजीता भी बोर हो रहा था अपने घर पे, तो मैंने उसको बोला ठीक है। सो वो भी बोल रहा था हाँ भाई चल, दोनों ने मिलके एक सिगरेट करके आते हैं और अच्छा खासा एक व्लॉग भी हो जाएगा आप लोग के लिए। सो अभी मैं और सीजीता मिलके निकल रहा हूँ भाई, अभी प्लान हो जाएगा। आई थिंक यार एक्सप्रेस दवा ही जाएंगे भाई ठीक है। थोड़ा कुछ वहाँ पे चाय पाई पियेंगे, थोड़ा कुछ बैठेंगे भाई। सो आज का वीडियो भाई थोड़ा सिंपल रहेगा भाई ठीक है। अच्छा खासा भाई रास्ते में कुछ कंटेंट मिला तो भाई उसको ना भाई मैंने कंटेंट बनाऊंगा ठीक है। सो आज क्या होने वाला है कुछ पता नहीं भाई ठीक है। आज भाई कोई कंटेंट होगा या नहीं, सिंपल सा वीडियो होगा। और गाइज यार अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो गाइज आई बटन पे लिंक आ रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है और आप लोग भाई चेक कर लेना भाई, बहुत ही अच्छा खासा एक व्लॉग है भाई। मैंने कभी सोचा नहीं था भाई सडनली भाई एक सब्सक्राइबर से मीटअप हो जाएगा, वो भी यार चाय भी पिलाएगा, वो भी यार कालना से पूर्व बर्धमान, मतलब कि मैं श्रीरामपुर से बिलोंग करता हूँ और मेरा वीडियो भाई कालना पे देख रहा है भाई, क्या ही बताए, बहुत अच्छा लगा भाई। तो गाइज जाओ जाके भाई चेक कर लो वाला वीडियो। थैंक यू भाई कालना वासी पूर्व बर्धमान वासियों, ओके जो वहाँ का बिलोंग करते हैं सबको भाई थैंक्स टू ऑल भाई दिल से ओके। सो चलो अभी फटाफट से हेलमेट पहनते हैं देन निकलते हैं भाई ओके। अभी जैकेट भी पहनना है ओके। सो चलो सीजीता को कॉल तो कर दिया, वो रेडी हो रहा है एंड मैं भी रेडी होकर उसके साथ मुलाकात करूँगा ओके। सो लेट्स मूव गाइज। तो गाइज बाइक यहाँ पे हो रहा है भाई कोल स्टार्ट और मैं भी हो रहा हूँ भाई वार्म अप, मतलब कि यार मैं हेलमेट वगैरह पहन लिया है, सिर्फ मेरा ग्लव्स बाकी है, ग्लव्स मैंने पहन रहा हूँ। और बाइक देखो गाइज कितना प्यारा लग रहा है। और गाइज मेरा पाँव का जो घाव है ना भाई वो पूरा मतलब कि 80% ठीक हो चुका है। बाइक मैं अपना श्रीरामपुर में चला रहा हूँ भाई कम से कम 20 या 25 दिन बाद। चलो लेट्स गो, वार्म अप भी हो चुका है, चलो लेट्स मूव, हम निकलते भाई ओके। तो गाइस यार मैं निकल पड़ा हूँ भाई और गाइस क्या ऑसम लग रहा है भाई, क्योंकि यार मेरा बाइक ना गाइस श्रीरामपुर के ऊपर गाइस मैं 25 दिन बाद गाइस मैं अपना बाइक चला रहा हूँ। इसमें हम आ चुके हैं भाई ब्रिज पे, क्योंकि यार गाइस हम जा रहे हैं भाई सीजीता को पिकअप करने के लिए। और गाइस यार आज ना भाई घर पे बैठ के ना भाई बहुत बोर हो रहे थे भाई, और गाइस सीजीता भी बहुत बोर हो रहा था भाई घर पे बैठ के। तो हम दोनों ने मिलके गाइस एक प्लान किया, चलो यार अभी थोड़ा एक सिटी राइड करके आते हैं भाई, थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा ठीक है। क्योंकि यार गाइस मैं तो यार भाई बहुत दिनों से ना भाई मैंने श्रीरामपुर में राइड नहीं किया, मतलब कि यार कलकत्ता पे अपना बाइक नहीं चलाया भाई हो गया है 25 दिन के आसपास, क्योंकि अब आप लोग को तो जानते ही हो भाई मेरा एक्सीडेंट हुआ था गाइस। एक्सीडेंट के बाद ना गाइस मैंने बाइक वाइक पूरा नहीं चलाया था, क्या ही बताए भाई। जो आप लोग ना भाई व्लॉग देख पा रहे हो ना भाई, ये सब व्लॉग ना भाई एकदम पूरा छोटा छोटा करके मैंने व्लॉग छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यार ये सब ना भाई उसी टाइम का रिकॉर्ड था ओके। भाई मेरा एक्सीडेंट तो हुआ था भाई 29 तारीख को और गाइस इतना लेट तक मैंने वीडियो छोड़ रहा हूँ ठीक है। शुक्र करो गाइस मेरा पैर का जो घाव है ना भाई वो 80% ठीक हो चुका है, अभी 20% बाकी है, वो भी गाइस आई होप यार जल्दी से ठीक हो जाएगा भाई। और गाइस यार अभी मैंने पहुँच तो चुका हूँ भाई सीजीता के घर के बाहर, अभी तक सीजीता नहीं आया, उसके कॉल कर लेते हैं भाई। और गाइस यार लड़की वगैरह इतना भाई लेट करते हैं ना भाई, क्या ही बताए भाई, बहुत लेट करता है यार। चलो अभी कॉल कर लेते हैं भाई उसको। तो गाइस यार अभी उसके साथ बात भी हो चुका है ओके, वो अभी घर से निकाला है, अभी आ जाएगा भाई जल्दी से। सो उसका आने देते हैं गाइस, अभी तक वेट कर लेते हैं उसके लिए भाई, बहुत सारा झेलना पड़ता है भाई। 2000 years later। तो गाइस देखो कौन आ चुका है, हेलमेट हेलमेट पहचो ने पा डान दी गई जे এর বুটের ভেতরে আছে, হ্যাঁ 80% শুকিয়েছে এখন 20% বাকি আছে, হয়ে যাবে। কি এটা
বাইকার্স কার থেকে গুড গুড এটা পরে লাগাবো এটা রাখ এটা ব্যাগেই ঢুকিয়ে দেবো তাহলে আমি একটা পেয়েছিলাম ও এনে দাও এটা দে थैंक यू तो गाइज अभी देख सकते हो गिफ्ट किया है मेरे को भाई बहुत अच्छा लगेगा अभी यहाँ पे है भाई 46 यामा का अभी चेंज हो के जाएगा भाई यहाँ पे बाइकर्स टैग से लिया है बहुत अच्छा लग रहा है भाई बैग पे डाल देते हैं और बाइक तो गाइज कब का मैंने फुल टेंकी कराया था भाई कोई पता नहीं बहुत दिन पहले मतलब कि यार मैंने जब यार लॉन्ग राइड किया था भाई उसी टाइम के भाई मैंने इस पर भाई फुल टेंकी किया था अभी से उसको चल रहा है आज भी मैंने आई थिंक यार उसको लग रहा था भाई पेट्रोल लगेगा लेकिन यार मैं नहीं लिया क्योंकि यार अभी चल जाएगा कल मैंने पेट्रोल भरवा लूँगा ओके तो आज तो यार चल जाने दे और गाइस ना भाई एक्सीडेंट के बाद ना भाई मेरा बाइक बहुत ही स्लो हो चुका है मतलब कि बाइक स्लो नहीं मतलब कि यार मैं भाई बाइक स्लो चला रहा हूँ दिल के अंदर ना भाई एक डर हो चुका है भाई डर पैदाश हो गया भाई भाई मियाँ मोड़ गया चिली 30 टाका है আমি কোনো বছর যাইনি আমার বন্ধুরা গেছে বলছে নাকি যেগুলো 200-300 টাকা দাম সেটাও নাকি 30 টাকা হ্যাঁ না না সেইটা না মানে এক পিস 30 টাকা আর তাহলে তাই পুরো দোকানটাই কিনে নেবো রে বিশাল লাইন পড়ে সেটা সেটা আর কেউ কিনবে না মনে হয় হ্যাঁ প্রচুর তাদের সোনায় সোহাগা আর ভাই বিশ্বাস কর গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টের পর না জোরে চালাতে ভয় লাগছে কীরকম ওইখান তোকে তোর বাড়ি থেকে এখানে নিয়ে আসলাম কত স্পিডে আস্তে আস্তে ঢুকঢুক করে আসলাম তো কারণ যেই সময় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সেই দৃশ্যটা ভাই দেখার মতন और गाइस बहुत लड़ाई करके बाद भाई मैंने हाईवे पकड़ लिया है और गाइस यार भाई क्या खतरनाक ठंड लग रहा है भाई मेरे को बहुत ही खतरनाक वाला ठंड लग रहा है यार पीछे बैठा हुआ है सीजी तक कितना ठंड लग रहा है भाई कुछ पता नहीं मेरे को तो यार खतरनाक वाला ठंड लग रहा है यार भाई सांप मुने आचे बोल आमे तो के देखा हाथ टक तो कोताई ढुकी है चीज तू আমি দেখছি পিটা কি ঠেকছে কি ঢুকিয়ে আমি তো হাত তালে ঢুকিয়েছে নিশ্চয়ই ওখানে তাহলে ঢুকতে পারতিস তো ওখানে তাহলে ঢুকতে পারতিস गाइस खतरनाक वाला ठंड लग रहा है भाई मेरे को और गाइस ये हम आ चुके एक्सप्रेस ढाबा बहुत साल बाद ঠান্ডা কাঁপছি সব একবার যাওয়ার পথে না ওই যে তোর এনটা কি বলে NH2টা আছে হ্যাঁ আমি NH ইয়ে বলে ফেলছি যাই হোক হ্যাঁ হ্যাঁ আমি নেটে সার্চ করছি NH2 আধা দিন ধাবা চলে যাচ্ছে দেখছি হ্যাঁ রে আমি NH2 ধাবা বলে NH2 ইয়ে করছি ওটাই তো तो गाइस बहुत दिनों बाद गाइस एक्सप्रेस ढाबा चलो आज मेरा पैसा बच गया सुजीता पैसा पेमेंट कर रहे हैं ओके तो गाइस अभी चलो अभी चलते हैं भाई दे भाई के सीट दे भेजा भेजा ठंडा होएगा एकदम है ওটাই তো তো চলো গাইস দাঁড়া দে বিশাল ঠান্ডা লাগছে ওটা কিছু বললো হ্যাঁ এইটা দেখে মনে হচ্ছে বললো যাই হোক বস 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 अरे भाई इनको क्या हुआ भाई सो चलो गाइस अभी चलते हैं भाई घर की तरफ
भाई साहब बहुत ठंड लग रहा है भाई मेरे को। चलो अभी यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं। गाइज यार भाई मैं यार कंटिन्यू भाई वाइब्रेट हो रहा हूँ भाई ठंड पे, और सीजिता को तो भाई कुछ पता नहीं क्या हो रहा है उसको, वो भी बोल रहा था भाई बहुत ठंडा लग रहा है यार। ये हम पहुँच चुके हैं भाई सिग्नल पे, भाई क्या ही पता है दस साल सिग्नल नाम ही दारा ना मोबाइल ही गलो এটা যদি কলকাতায় করতো না দেখতিস রেড সিগন্যাল রয়েছে সবাই দাঁড়িয়ে আছে ও বেরিয়ে গেল দেখা গাইস কাইসে সিগন্যাল তোড়কে নিকল গেয়া ভাই এক্সপ্রেস ধাবে ভাই কিতনা ভি কুছ ভাই নাই বেটা এক্সপ্রেস ধাবা মে কুছ ভাই চা পাই পিয়া মে আর সিজিতা আর ভাই তোরা কুছ বাতে কিয়া দেন নিকল আই ভাই ইসলিয়ে গাইস তোরা কুছ ভাই ফুটেজ আপ লোগো ভাই নেই দে পাওগা আর গাইস ইয়ে হাম ফির সে আ চুকে হ্যায় স্টপ পে लेकिन यार हम तो यहीं से भाई लेफ्ट टर्न ले लेंगे भाई, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और फटाक से चलते हैं भाई सीजिता को घर छोड़ने के लिए। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हो। अब बुझते रहे चामी जो ना तेकाने डिक्स ले भाई हमें सीधे बेरिए जाओ आई टुकाने उदिये कॉलेज घाटे जाओ बंधुरा जाच्छे अरे एक पैंट किनबो তাহলে पैंट কেনা হচ্ছে না সে কবে থেকে চিন্তা দেখেছি স্যান্টিক সেফটি পিন ছিঁড়ে গেছে সেফটি পিন যা যা সাবধানে যাস। আর গিফটটা কিন্তু খুব দারুণ হয়েছে, আমার মন পুরজি হয়েছে গিফটটা গিফটটা চাবি রিংটা দারুণ লেগেছে। আপকে পাস পুরা গ্যারেন্টি হ্যাঁ ইহা পে এইচ এন জি জানে সে আপকো কাম মিল জায়গা পুরা গ্যারেন্টি হ্যাঁ। उसका फोन नंबर उसका एड्रेस कहाँ पे रहता है अभी तो इंडिया जूट मिल कार्ड है ना यहाँ पे तो इंडिया जूट मिल का कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ गेट पास लिखा है कोड नंबर लिखा है बस और कुछ नहीं है। तो काला वाला का लिखा है वो कौन ये वाला गेट पास लिखा है गेट पास मतलब कि आप लोग आपको कुछ छुट्टी वगैरह चाहिए ना उसके लिए लिखा है, इसका कोई एड्रेस वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है विजय सिंह और यहाँ पे लालन यादव तुम्हारा नाम है, नंबर तो गलत है भाई ठीक है। और डिपार्टमेंट क्या लिखा है भाई कुछ पता नहीं 07 क्या है भाई। डेट ऑफ ज्वाइन लिखा हुआ है भाई 8/12/2022 अभी इस महीने का ही तो है 12 में 8 तारीख पे ज्वाइन किया आप तो अभी आप क्या करोगे रिसरा जाओगे रिसरा पे जाकर आप लोग काम मिल जाएगा पूरा गारंटी रिसरा एक्चुअली है इधर पे ठीक है। और आपको ट्रेन से जाना पड़ेगा तो यहीं पे जाना पड़ेगा स्टेशन बगल में है ये 10 रुपया लीजिए ठीक है। टिकट करने के लिए 5 रुपया लगेगा सब मिलेगा। टिकट काउंटर पे जाइएगा ठीक है, जाके बोलिएगा हमको एक रिसरा दीजिए 5 रुपया लेगा ठीक है बस एकदम स्टेशन के बगल में ही है HNG। और भाई चाचा ना बहुत मुश्किल में गिरा है भाई सो इसलिए ना गाइस आप लोग को कुछ भी ऐसा देखा ना भाई आप लोग हेल्प करते रहो भाई ठीक है, क्योंकि यार आपके एक हेल्प है ना भाई थोड़ा कुछ मदद हो जाए उसका तो गाइस भलाई है भाई। सो फाइनली गाइस अभी हम घर आ चुके हैं भाई लोग जैसे अब देख पा रहे हो। और गाइस आज का वीडियो भाई एंड शॉर्ट एंड सिंपल का था भाई, सीजिता भाई आज बहुत ही एक अच्छा सा प्यारा सा एक गिफ्ट दिया है भाई ठीक है, मैंने कभी सोचा नहीं था वो भी मुझे को गिफ्ट देगा भाई, दोस्त है भाई हम लोग ओके उल्टा सीधा मत कमेंट करना भाई ओके। सो जो गिफ्ट है ना भाई मैं उसको थैंक्स बोल नहीं पाया तो वीडियो के थ्रू उसको भाई हैंग थैंक्स बोल देता हूँ ठीक है। सो ये रहा उसका की रिंग मतलब कि यार बहुत ही अच्छा है भाई ठीक है। सो ये लेके ना भाई हम मेरे पास 3 हो चुका है 3, थैंक यू ब्रो थैंक यू सीजिता ओके। सो चलो अभी वीडियो को भाई यहीं पे एंड करते हैं भाई और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो गाइस मिलते हैं गाइस एक मस्त एपिसोड पे, तब तक स्वस्थ मस्त खुश खाते पीते रहो और ऐसे प्यार बरसाते रहो गाइस। लव यू बाय एंड टेक केयर राइड एंड राइड सेफ गाइस टाटा बाय सी यू द नेक्स्ट वीडियो।